हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो हमारे जो टॉप 85 टॉपिक की हमारी जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज के अंतर्गत आज हम बात करेंगे अपने तीसरे टॉपिक पे, जहां मुझे बात करनी है आज मौलिक अधिकारों पे, फंडामेंटल राइट्स की हम बात करेंगे। देखिए, फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं तो पहले मैं आपको एक बेसिक सी बात आपको बताता हूं। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार हमारे वो अधिकार होते हैं जो हमको जीने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। अगर हमारे मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाए, हमारे मूल अधिकारों को अगर छीन लिया जाए, ठीक है, तो हमारी जिंदगी जिंदगी ना रह करके ये एक नर्क बन जाएगी। ठीक है, तो इसी को ही यानी कि जो लोगों की जो जिंदगी है वो नर्क समान ना हो, तो कुछ अधिकार हमको संवैधानिक तौर पर दिए गए हैं जो हमें जन्म से ही मिल जाते हैं, इसके लिए हमें कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता है। देखिए, समझिए, आप जो मौलिक अधिकारों से हम थोड़ा सा अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे, ठीक है, बातें तो इनमें कितनी सारी भी कर सकते हैं, वो सब बातें कमी होंगी, ठीक है। लेकिन देखिए, आप हम जब एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो हम मौलिक अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकार चलिए मौलिक अधिकार की जब बात करते हैं तो सबसे पहले कुछ बेसिक बात आपको जान लेनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ बेसिक बातें, बेसिक बात में ध्यान रखना पे, मौलिक अधिकारों का सबसे पहले जन्मदाता, ठीक है, मौलिक अधिकारों का जन्मदाता सम्राट जॉन को माना जाता है। जॉन को, ठीक है, कहां गए सर, ये ब्रिटेन के सम्राट जॉन को मौलिक अधिकारों का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, पहली बात आपको ध्यान रखें। दूसरी बात देखिए, जो मौलिक अधिकार है इन्हें सबसे पहले संवैधानिक मान्यता मौलिक अधिकारों को संवैधानिक मान्यता सबसे पहले जिसने दी है वो देश आपका यूएसए। बेसिक बात में आपको एक बात ये ध्यान रख लेनी है। तीसरी बात, भारत में मौलिक अधिकारों की सबसे पहली मांग, ठीक है, भारत में इसकी पहली मांग हुई, ठीक है, ना पे ये मांग हुई 1895 में, 1895 के अंदर पहली बार इसकी मांग करी गई। ध्यान रखना, भारत में कांग्रेस ने, ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी जो अपनी पहले थी, कांग्रेस जो पार्टी है, इसने संवैधानिक जो इसने मौलिक अधिकारों की बात सबसे पहले कब करी है, तो कांग्रेस ने 1931 में, ठीक है, कांग्रेस ने 1931 में एक अधिवेशन हुआ था, कहां का, कराची अधिवेशन में, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे थे। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे थे। उस अधिवेशन में सबसे पहले कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों की मांग की, आपको एक बात ये ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए बेसिक बात में देखिए, आपको आप एक बात आपको यहां आपको इसमें दो आर्टिकल याद रखने हैं, एक आपको यहां पर आर्टिकल 13 आपको याद रखना है। ठीक है, आर्टिकल 13 जो है ये मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्या करता है ये मौलिक अधिकारों को, ये संरक्षण ये प्राप्त प्रदान करता है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा आर्टिकल आपको यहां पे देखिए, आपको आर्टिकल यहां पे एक आपको आर्टिकल 32 आपको याद रखना है, एक आपको 226 याद रखना है। ठीक है, आर्टिकल 226 याद रखना। ठीक है, ये दोनों आर्टिकल कहे के लिए है, ध्यान रखना, ये दोनों आर्टिकल न्यायिक पुनर्विलोकन, सर ये क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जो है अपने द्वारा जो लिए गए फैसले हैं, ठीक है, उनको एक बार फिर से चेक कर सकता है, उनका पुनर्विलोकन कर सकता है। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32 और 26 के तहत। ठीक है, तो ध्यान रखना भी, आर्टिकल 32 और 26 के हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन को ये प्रभावी बनाने वाले आर्टिकल हैं, कौन से, 32 और 26। ठीक है, क्या करते हैं सर ये, न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन को क्या करते हैं, प्रभावी बनाते हैं, प्रभावी बनाने वाले आर्टिकल है, कौन सा, आर्टिकल 32 और 226। हम थी बात तो हमें पता ही है, ऑप्शन में आपको ये मिलेगा, इसलिए मैंने ये सेंटेंस लिखा है। बेसिकली बेटा आपको ये, तो आपको ये पता ही है कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करता है, सुप्रीम कोर्ट पर, ठीक है, और आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट के अंदर रिट दायर होती है। ठीक है, देखिए समझ, आप आपको दो बात ये ध्यान रखनी है, इसके अलावा आपको देखिए यहां पर आपको बेसिक बात में एक ध्यान रखना, आप संपत्ति का अधिकार आपको ध्यान रखना है। संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, ठीक है, इसको बाद में एक 44वां संविधान संशोधन किया गया, कब हुआ सर, 1978 में, 44वां संविधान सर 1978 में हुआ, उसके तहत क्या किया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है,
क्यों बना दिया, किस लिए बना दिया, उस पर हम अभी यहां पे बात हम नहीं कर रहे, ठीक है। मौलिक अधिकारों और कानूनी अधिकारों में कुछ अंतर होते हैं, जिस वजह से मौलिक अधिकार जो आप संपत्ति का अधिकार है, ये मौलिक अधिकारों का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल ये नहीं कर पा रहा था, ठीक है। इसलिए आप इसको यहां से हटा दिया गया, एक बार आप ये ध्यान रखना, क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए इसके अंदर एक आपको सिद्धांत ध्यान रखना है, एक होता है आपका पृथककरण का सिद्धांत, एक आपका पृथककरण का सिद्धांत, पृथककरण का सिद्धांत आपको एक ध्यान रखना है पे, ठीक है। आप बेसिक बात में आपका एक पृथककरण का सिद्धांत रखना है। सर ये पृथककरण का सिद्धांत क्या होता है, देखिए आप किसी भी कानून का, कोई भी कानून अगर बना हुआ है, किसी भी कानून का वह भाग शून्य मान लिया जाएगा जो भाग संवैधानिक तौर पर असंगत है, जो भाग संवैधानिक तौर पे असंगत है उस भाग को शून्य मान लिया जाएगा। इस सिद्धांत को पृथककरण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो पृथककरण का सिद्धांत क्या है, किसी कानून का आपको लिखना है, किसी कानून का वह भाग शून्य होगा या शून्य मान लिया जाएगा, ठीक है, जो मूल अधिकारों से असंगत है, ठीक है। ध्यान रखना भाई, किसी भी कानून का वह भाग जो है, किसी भी विधि का, यहां पे कानून को ही विधि बोलते हैं, किसी भी विधि का वह भाग शून्य होगा जो मूल अधिकारों की असंगत है। इसी सिद्धांत का मतलब पृथककरण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो बेसिक आपको मूल बात में, आपको मौलिक बात में, मौलिक अधिकार में, बेसिक बात में आपको इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मौलिक अधिकार आपके छह प्रकार के होते हैं, ठीक है। हम देखिए मुख्य बिंदुओं में ही बात करेंगे यहां पर, ठीक है ना। हम मेन जो हमारे बिंदु हैं जहां से हम चीजों को स्किप करते हैं उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी देखिए मौलिक अधिकार तो हमको नॉर्मली हम पढ़ते ही आ रहे हैं, टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जिन चीजों को हम लोग मिस करते हैं, हम मतलब स्किप करते हैं, छोड़ देते हैं, और एग्जामिनर की नजर में वो टारगेटेड क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं पे मैं यहां पे बात करूंगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं समानता का अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार हमने कहते हैं ये छह प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे समानता का अधिकार। नंबर एक, समानता का अधिकार, ठीक है। देखिए समानता का अधिकार बोलो, समता का अधिकार बोलो, बात ही गई है, ठीक है। देखिए हम इसमें इसके बहुत ज्यादा पचड़े में नहीं पढ़ेंगे, हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी तरह से हम इसको करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा रिवीजन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए यहाँ पे जब मैं समानता के अधिकार की बात करता हूं, तो यहां पर ये पांच तरह की समानता की बात करता है, कितने आप ये पांच तरह की समानता की बात करता है। सर ये पांच तरह की समानता कौन कौन सी होती है, आपको ऐसे ध्यान रखना, पांच तरह की समानता की बात करता है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है भाई। सबसे पहले यहां पे आप विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के समक्ष जो है सभी समान है, ठीक है। और ये बड़ा आपका आर्टिकल 14 में आता है, ठीक है। दूसरा आपका पे है लिंग, ठीक है, जाति धर्म के आधार पे किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसी को बोलते हैं, ठीक है, ये आपका है आर्टिकल 15 में, ठीक है, ये भी एक तरह की समानता है। तीसरे यहां पे है, ठीक है, तीसरा आर्टिकल 16 में यहां पे है अवसर की समानता, अवसर की समानता, ठीक हो गया है। यहीं पे आपका आरक्षण का जो मुद्दा है वो यहीं पे आता है, ठीक है। हम उत्तर बहस भी यहां पे इसमें नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है। देखिए पे ये आपका आर्टिकल 16 में आता है, देखिए पे अगला आपका पे आता है अस्पृश्यता, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत जो है ये आपका आर्टिकल 17 में आता है, ठीक है। मतलब अस्पृश्यता का अगर अंत किया जाएगा, अगर ये खत्म होगी तो समानता बढ़ेगी, ठीक है। तो इसी तरह से यहां पर ये भी आपका एक समानता का अधिकार, ठीक है। लास्ट आपका यहाँ पे उपाधि का अंत, ठीक है। उपाधि का जो आपका अंत है ये आपका आर्टिकल 18 में दिया गया है। इसका मतलब समानता के अधिकार में पांच तरह की समानता की बात करता है ये, जो 14 से लेके कहां तक चलती है, यहां पे 18 तक चलती है। आप एक बात ये ध्यान रखें, देखिए यहां पे इसके अलावा इसमें आपको एक दो चीजें आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है। देखिए यहां पे जो आपका आर्टिकल आपका 15 है, आर्टिकल 15 के 5 में, यानी कि 15 का जो 5 आर्टिकल है, ध्यान रखना पे इसमें क्या दे रखा है, इसमें निजी शिक्षण संस्थान, पेपर पूछा आता है निजी शिक्षण जो संस्थान है, मतलब प्राइवेट जो कॉलेज है, ठीक है, इनमें क्या है एससी एसटी और ओबीसी के लिए इसमें आरक्षण की व्यवस्था है। निजी शिक्षण संस्थान में आरक्षण की व्यवस्था है। आर्टिकल 15(5) जो था ये पहले नहीं था, आपको एक बार ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके लिए 93वां संविधान संशोधन किया गया, इसके लिए आपने 93वां संविधान संशोधन किया गया, सर कब किया, 2015 में, ध्यान रखें 2015 में 93वां जो संविधान संशोधन करके निजी शिक्षण संस्थानों में एससी एसटी ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था करी गई है, ठीक हो गया, ठीक है। चले तो कितने के बोल अब समानता कितने की, आपके यहाँ पे पांच तरह की आपकी समानता है। दूसरा चलते हैं आप देखिए पे दूसरी बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। सेकेंड कौन सा आपका रहेगा, स्वतंत्रता का अधिकार। पहला कौन सा, ये आपका
समानता का अधिकार था। अब स्वतंत्रता की बात करते हैं, देखें यहां पे दूसरा स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता का जो अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार में आपे ये जो अधिकार है इसमें चार तरह की बातें करता है। स्वतंत्रता के अधिकार में आप ये चार तरह की बातें होती हैं, हम सीधी सीधी बातें करते हैं, यहाँ पे हम ज़्यादा बातें नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये 85 टॉपिक की सीरीज है ना, इसमें हम वरना मौलिक अधिकारों, खाली मौलिक अधिकारों को पढ़ाने में 3 दिन लग जाते हैं, है ना, हम उस लेवल पे भी यहाँ पे बात नहीं कर रहे। देखिए आप सबसे पहले इसमें आपका यहाँ पे ये आपका आर्टिकल 19 है, ठीक है, दूसरा आर्टिकल इसमें आपका 20 है, आर्टिकल 21 है और आपका आर्टिकल यहाँ पे 22 है, ठीक है। देखिए 19 की अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 19 में, ठीक है, इसमें आपका आर्टिकल 19 का आपका पहला ए है, आर्टिकल 19 का ए, ठीक है, 19 का आपका जो आर्टिकल ए है इसमें है बोलने की आजादी, ठीक है, क्या बे इसमें आपका बे बोलने की आजादी है, ठीक है, यानी वाक अभिव्यक्ति बोलते हैं इसको, वाक अभिव्यक्ति, ठीक है, तो वाक अभिव्यक्ति इसमें देखिए आप आर्टिकल 19 ए में दे रखी है। इसी के साथ बात ध्यान रखें आर्टिकल 19 ए में ही कुछ और चीजें भी दे रखी है जो हमारे दिमाग से स्किप हो जाती है। आर्टिकल 19 ए में ही, ठीक है, बोलने की आजादी बोले तो देखो प्रेस की स्वतंत्रता इसी में है, प्रेस की स्वतंत्रता जो मीडिया होती है ना, ठीक है, वो कुछ भी पूछ सकती है, तो उसकी आजादी किसमें आप आर्टिकल 19 ए में है। दूसरा देखिए आप इसी में है जानने की आजादी, जानने की आजादी इसी में है, ठीक है, मतलब हमारी सरकार जो है क्या काम कर रही है, कैसा काम कर रही है, जानने की आजादी इसी में है, इसी को हम बोलते हैं आरटीआई, ठीक है, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, जानने की आजादी किसमें आप इसी में है आर्टिकल 19 ए में। इसी में आपको चुप रहने की आजादी भी है, चुप रहने की आजादी भी आपको इसी में है, चुप रहने की आजादी किसमें आप आर्टिकल 19 में ही आपको दी गई है। इसके अलावा आपको एक और इंपॉर्टेंट आपको इसमें याद रखना है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की आजादी भी आपको 19 ए देता है, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की आजादी भी आपको 19 ए देता है। क्लियर हो गया, ठीक है, तो आर्टिकल 19 ए जो है आपका ये आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा यहां पे आर्टिकल 19 ए के बाद आपका 19 बी, ठीक है, 19 बी, ठीक है, बी सी डी ई और एफ, ठीक है, 19 के अंदर आपके इतने आर्टिकल होते हैं। 19 ए में क्या है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बी में जो है आप बी में इसमें सभा बनाने की आजादी है, ठीक है, देखिए अगर आप लोग आपस में बात करते हैं तो आप लोग आपस में एक सभा बना सकते हैं, मतलब सभा गठित कर सकते हैं, सभा में सबको बुला सकते हैं, अगर सब लोग बुलाएंगे, ठीक है, तो अगर आपको वहां पे कोई संघ बनाना है, कोई यूनियन बनानी है, कुछ ऐसा काम करना है, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो सी में क्या दे रखा है, संघ बनाने की आजादी, ठीक है, सी में क्या भे संघ बनाने की आजादी रखिए, आपको एक बात ये ध्यान रखनी है, ठीक हो, ठीक है, देखिए आप इसके अलावा ए बी सी, ठीक है, डी में जो देखा आर्टिकल डी में, ठीक है, एक मिनट, डी में, इसमें डी में है आवागमन की आजादी। देखिए पहले में आपके अभी पहले में क्या था आपका, पहले में था बोलने की आजादी, अगर आप बोल सकते हैं तो बोल के लोगों को बुलाएंगे तो सभा हो जाएगी, सभा से अगले क्या पे संघ आपने बना लिया, अब आपका संघ क्या करेगा, काम करेगा किसी क्षेत्र के, जिस चीज के लिए आपने संघ बना रखा है उस क्षेत्र में ये काम करेगा, ठीक है। तो भैया अगले उसमें क्या पे आवागमन, आवागमन, ठीक है, मतलब आप कहीं भी आ जा सकते हैं, ऐसे ऐसे आप वहां पे डी मध्य रखी है, ठीक है। अब अगर आप कहीं चले गए, कहीं चले गए, आपको कोई चीज, कोई जगह आपको पसंद आ गई, तो भैया वहां आप रह सकते हैं, तो बसने की आजादी आपको ई देता है, ये आप वहां पे बसने की आजादी, आप कहीं भी बस सकते हैं, या आजादी आप वहां पे एफ देता, क्या दबे ई देता है, अगर आप कहीं बस गए हैं तो वहां रोटी पानी खाने के लिए कुछ अपने को काम करना पड़ेगा, ठीक है, तो एफ जो आपका बे ये आपको व्यवसाय, वहां पे व्यापार करने की आपको आजादी देता है, आपका पे व्यापार करने की आपको आजादी है। क्लियर हो गया, ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 19 ए है आपका, ठीक है, मतलब 19 है, 19 ए में क्या है, वाक अभिव्यक्ति, प्रेस, जानने की आजादी, ठीक है, चुप रहने का, राष्ट्रीय ध्वज, 19 ए ही आपसे ज्यादातर पूछा आता है, ठीक है। इसके अलावा सभा, संघ, आवागमन, बसने की आजादी और व्यापार करने की आर्टिकल 19 ए में है, आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए देखिए अगर मैं आर्टिकल 20 की अगर मैं बात करता हूं, आर्टिकल 20, 19 में क्या आपके वाक अभिव्यक्ति आ जाती है, 20 में है दोष सिद्धि संरक्षण, ठीक है। अगर मतलब अगर कोई आदमी दोषी है, ठीक है, अगर उसके ऊपर जब तक दोष सिद्ध नहीं होता है तब तक वो अपना संरक्षण यानी अपना बचाव कर सकता है, ये किस में दे रखा, आर्टिकल 20 में। इसके लिए वो अपने पसंद का वकील कर सकता है, ठीक है, अपने पसंद का लॉयर कर सकता है, वो सब चीजें हैं, वो सब किस में आपकी आर्टिकल 20 के अंदर है, दोष सिद्धि संरक्षण, ठीक है। आर्टिकल 20 का आर्टिकल 21, ये सबसे महत्वपूर्ण आपका रहता है आर्टिकल 21।
आर्टिकल 21 में आपको ध्यान रखना है, देखिए आप ये है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, मतलब जीने का अधिकार। अभी समझ लो आप इसे बोलते हैं जीने का अधिकार, जीने का अधिकार, जीने का अधिकार का आर्टिकल आपको 21 देता है, इसी को बोलते हैं प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। इसमें जीने के लिए हमको क्या क्या चीजें आवश्यक है, देखिए आप जो जो चीजें हमारे जीने के लिए आवश्यक हैं, बहुत ज्यादा आवश्यक हैं, तो वो सब इसी में है, ठीक है। अब सांस लेने की आजादी भैया इसी में होगी, सांस लेने की आजादी किसमें होगी, इसी में होगी, ठीक है। तो मतलब जो जीने के लिए जो चीज बहुत ज्यादा आवश्यक है वो किसमें रहती है, आर्टिकल 21 में रहती है। इसमें समय समय पर इसमें संशोधन भी होते रहते हैं। देखिए जीने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो आजकल मानी गई है वो है शिक्षा, ठीक है। तो जीने के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है, इसीलिए आर्टिकल 21 में 21A जोड़ दिया गया, आर्टिकल 21 में 21A जोड़ दिया गया। सर कब जोड़ दिया गया, ये 2002 में जोड़ दिया गया, ऐसी अपने मन से क्या, नहीं, इसके लिए 86वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है। और क्या कर दिया गया, जो शिक्षा का अधिकार है उसको उसको एक मौलिक अधिकार बना दिया गया और उसको कहा गया ये जीने के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो यहां पे क्या, जो शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का जो अधिकार है इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसके तहत पे 6 से जो 14 वर्ष के जो बच्चे हैं इन्हें निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के लिए व्यवस्था कर दी गई है। क्लियर हो गया सर, क्या ऐसी व्यवस्था पहले नहीं थी, ऐसी व्यवस्था पहले भी थी, पहले ये एक मौलिक कर्तव्य हुआ करता था, ठीक है। पहले क्या था, भी जो शिक्षा का अधिकार है, यही शिक्षा का अधिकार जो है एक मौलिक कर्तव्य भी है, ये मौलिक कर्तव्य भी है और मौलिक अधिकार भी है। मौलिक कर्तव्य जो है ये मौलिक कर्तव्य में इसको आर्टिकल मौलिक कर्तव्य में 51A में इसको रखा गया है, भाग 4 को, ठीक है। इसके लगभग तो 51A में इसके मौलिक कर्तव्य में भी इसको शामिल किया गया है, ठीक है। किसका पे, शिक्षा का अधिकार। आखिरी जो आपका यहां पे आता है, ठीक है, यहां पे गिरफ्तारी निषेध, ठीक, गिरफ्तारी निषेध संबंधी अधिकार है, ठीक है। सर गिरफ्तारी निषेध क्या होता है, देखिए अगर आपने कुछ ऐसा काम किया है कि आपको पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आ रही है, तो उसके लिए आपके पास कुछ अधिकार है, ठीक है। जैसे आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप मुझे किस जुर्म में आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके पीछे देखिए अपवाद भी रहते हैं, कभी घर पूछते भी हैं, कहीं नहीं पूछते, ठीक है। बहस की बात इसमें बहुत सारी रहती है, ठीक है। सीधे सीधे एग्जाम के पॉइंट पर समझते हैं, तो आर्टिकल 22 में क्या आप गिरफ्तारी निषेध, अगर कोई आपको गिरफ्तार कर रहा है तो उसके लिए आपके कुछ अधिकार हैं। निषेध का मतलब ये नहीं कि आपको कोई गिरफ्तार कर ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मतलब कुछ अधिकार आपको दिए गए हैं कि भाई आप पूछ सकते हो आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है, किस जुर्म में किया जा रहा है, आपने ऐसा क्या किया, ये सब चीजें, ठीक है। किसमें आप आर्टिकल 22 के अंदर क्या गिरफ्तारी निषेध का अधिकार आपको यहां पर दिया गया। क्लियर हो गया, ठीक है आपका, ठीक है। तो दो, पहला कौन सा हो गया समानता का अधिकार, दूसरा कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तीसरा अगला यहां पर प्रॉपर्टी देखते हैं, चलिए अगला आप देखो देखते हैं, देखिए अगला हम देखें तीसरा पे शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। देखिए शोषण के जो विरुद्ध अधिकार की बात करता हूं, ये आपका अधिकार आप ये दो आर्टिकल में दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दो आर्टिकल में है, ठीक है। एक आपका है आर्टिकल 23 में और एक आपका आर्टिकल 24 में है, ठीक है। आर्टिकल 23 में क्या दे रखा है, इसमें है किसी भी व्यक्ति से आप फोर्सफुल्ली काम नहीं करवा सकते हो, ठीक हो गया है, वो चाहे बड़ा हो छोटा हो, ठीक है, भले ही आपका सगा संबंधी हो, उससे आप फोर्सफुल्ली काम नहीं करवा सकते हो, ठीक है। इसे बोलते हैं बलात्श्रम, क्या बोलते हैं इसको आप, बलात्श्रम, ठीक है। बलात् जो श्रम है इसके निषेध की बात करता है, बलात्श्रम के निषेध की बात करता है, ठीक है। फोर्सफुल्ली आप किससे काम नहीं करवा सकते, ठीक है। फिर चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, कार्य किसी भी तरह का हो, ठीक है, आप फोर्सफुल्ली काम नहीं करवा सकते, किसमें, आर्टिकल 23 में, ठीक है। आर्टिकल 24 में क्या है, इसमें है बाल श्रम, ठीक है, इसमें है बाल श्रम। बाल श्रम मतलब छोटे बच्चे हैं, इनसे आप काम नहीं करवा सकती हो, लेकिन ध्यान रखना कैसे काम, ये केवल उन कामों की बात हो रही है जो फैक्ट्री में मजदूर के तौर पे जो काम कराए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम अपने घर में अपने बच्चों से काम नहीं करवा सकते, ठीक है। जैसे जो बाल आर्टिस्ट होते हैं आप देखें मूवियों में आप देखते होंगे, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको, ठीक है, और गोद लेने वाले बच्चे भी वो भी काम करते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है बाल श्रम जो है आप नहीं करवा सकते हैं, लेकिन फैक्ट्री में मजदूर के तौर पे, ये उसकी बात हो रही है, ठीक है। इसके लिए कुछ कानून बनाए गए हैं, देखिए आप जो बलात्श्रम के लिए आप सबसे पहला एक कानून था 1956 में, ठीक है। इसे बोलते हैं ठीक है अनैतिक दुर्व्यवहार अधिनियम। इसके लिए एक अधिनियम बना 1956 में आप अनैतिक दुर्व्यवहार अधिनियम कब बना है,
1956 में, ठीक है, अनैतिक दुर्व्यवहार अधिनियम कब बना, किसके खिलाफ है अभी, जो जो बलात्श्रम जो निषेध है इसको मजबूत करने के, ठीक है, मतलब अगर कोई काम नैतिक नहीं है तो क्या, ठीक है, तो आप उससे फोर्सफुली नहीं करवा सकते। दूसरा देखिए यहाँ पे आपको दूसरा याद रखना, 1976 में बधुआ मजदूरी अधिनियम, बधुआ मजदूरी, ठीक है, बधुआ मजदूरी क्या होती थी यहाँ पे, जैसे हमने किससे कर्ज ले लिया है, हमारे फादर ने किससे अगर कर्ज ले रखा है, तो भाई वो कर्ज अगर पापा नहीं दे पाए तो हमको उसके वहां पे हमको बिना पैसे के हमें काम करना पड़ेगा, हम उसके बधुआ हो गए, गुलाम हो गए एक तरह से, ठीक है ना। तो इसी क्या बोलते हैं, बधुआ मजदूरी बोलते हैं, ठीक है। बधुआ मजदूरी आपको जो एक मूवी आई थी ना मांझी द माउंटेन मैन, ठीक है ना, उसमें बधुआ मजदूरी दिखाई गई थी, ठीक है, तो वो जमींदार जो था उस तरह से दिखाई गई, ठीक है। तो ध्यान रखें बधुआ मजदूरी अधिनियम कब आया, 1976 के अंदर आया, आप एक बात ये ध्यान रखना। इसके अलावा आप दो तक इसके लिए बनी है आर्टिकल 23 के लिए, बाल श्रम निषेध इसको रोकने के लिए एक कानून बनाया गया, इसे बोलते हैं बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम बना पे, वो बना 1986 में, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम कब बना पे, 1986 में बना। आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है, ठीक हो, ठीक है। तो कौन सा अधिकार आपका पे, शोषण के विरुद्ध अधिकार मैंने आपको पे बना दिया, ठीक है। अगर मैं अगली बात करता पे चौथे नंबर पे, ठीक है, मेन आपके यही तीन होते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछ जाते हैं। पहला कौन सा, पहला सर समानता का अधिकार, दूसरा कौन सा भी स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा कौन सा भी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। इसके अलावा कुछ और अधिकार भी उनको देख लेते हैं, चौथे नंबर पर लिखो, यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसे हम बोलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है यह आपका आर्टिकल 25 से दे रखा है 28 तक, ठीक है, ज्यादा पूछे जाते नहीं है। आपको इसमें से एक याद रखना है, आपको आर्टिकल 27 याद रखना है, 27, ठीक है, 20 का आपका पे आर्टिकल 27 याद रखना है। क्या होता है सर, धार्मिक संपत्ति जो है वो कर से मुक्त रखी जाती है, धार्मिक संपत्ति पे कर नहीं लगता है, आर्टिकल 27 में लिखा गया है, ठीक है, आपको याद रखना पे धार्मिक संपत्ति पर कर नहीं लगता, आपको बात ये ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अगले मैं पांचवी बात का, इसमें है संस्कृति, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार है, इसमें संस्कृति व शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार आपका आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है, सीधे सीधे आपको याद रखना है, ठीक है। 30 के अलावा आपका आर्टिकल जो 31 है उसको अब हटा दिया गया है, ठीक है। एक्चुअली उसी में पहले आपका संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, आर्टिकल 31 में जो आप हटा करके कानूनी अधिकार बना दिए, ठीक है। तो 31 में कुछ नहीं है, सीधे आप हटा दो। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचार से क्या होते हैं, अगर संविधानों में किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट करना है, ठीक है ना, मतलब इसको यहाँ पे कुछ बदलना है, हटाना है, ऐसा कुछ, ठीक है, तो वो किसमें यहाँ पे आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ पे, आर्टिकल 32 में, इसके तहत एक बार ट्रीटमेंट कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन जब किया गया था 1978 में, ठीक है, जब संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, एक तरह का ट्रीटमेंट ही था, ठीक है, ठीक है आप, तो आर्टिकल 32 में क्या पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ध्यान रखना इसी आर्टिकल को बी आर अंबेडकर जी ने इसी आर्टिकल को ही संविधान की आत्मा कहा था। ध्यान रखना, जब तक नाम बी आर अंबेडकर नहीं लिखा हो, ठीक है, तब तक संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना है। बी आर अंबेडकर ने किसको कहा है संविधान की आत्मा, तो भैया आर्टिकल 32 को, ठीक है ना, बी आर अंबेडकर ने इसके मतलब इसे आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा का है, आप एक बात ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन कब, जब बी आर अंबेडकर लिखा हो, आपसे नॉर्मली को पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप प्रस्तावना बताओगे, लेकिन बी आर अंबेडकर ने किसको कहा है, तो आप आर्टिकल 32 को आप बोलोगे, ठीक है। चलिए तो 32 के बाद आपको एक आर्टिकल आपका आर्टिकल 33 याद रखना है। देखिए 33 हो गया, 34 हो गया और 35 हो गया, 1235 ही तो आपकी है, ठीक है। 33, 34, 35 ये तीनों आर्टिकल जो हैं ये संसद से संबंधित है, ये भी संसद से संबंधित है। सर क्या करती है संसद, आर्टिकल 33 के तहत संसद क्या कर सकती है, जो आपके अर्धसैनिक बल होते हैं या आपके सैनिक होते हैं, ठीक है, मतलब आप सिंपल आप ये कह सकते हो जो सशस्त्र बल है, ठीक है, आप ऐसे कहते जो सशस्त्र आपके जो सशस्त्र बल है, ठीक है, मतलब सेना में जो भी, ठीक है, अर्धसैनिक है, सैनिक है, संसद क्या कर सकती है विशेष परिस्थितियों में इनके जो मौलिक अधिकार है उनको प्रतिबंधित कर सकती है, इनके सशस्त्र बलों के जो मौलिक अधिकार है इनको
प्रतिबंधित कर सकती है। कौन कर सकती है भैया? संसद कर सकती है आर्टिकल 33 के तहत। सर आर्टिकल 34 के तहत क्या होता है? आर्टिकल 34 के तहत अगर कहीं पे स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, अगर कहीं पे स्थिति जो है बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, तब वहां पे लोगों के मौलिक अधिकारों को हटा करके वहां पे सैन्य कानून लगाया जा सकता है। ठीक है, तो जो यहां पे इसे बोलते हैं मार्शल लॉ। ठीक है, तो आर्टिकल 34 के तहत संसद क्या कर सकती है? किसी क्षेत्र पे, ठीक है, क्या बे सैन्य कानून, लिखो सैन्य कानून लागू कर सकती है, सैन्य कानून मार्शल लॉ लगा सकती है। ठीक है, आर्टिकल सर 35 के तहत संसद क्या करती है? आर्टिकल 35 के तहत संसद मौलिक अधिकारों से संबंधित अगर कोई कानून बनना है तो बना सकती है। ठीक है, संसद क्या करती है? मौलिक अधिकारों संबंधित जो भी कानून बनाने होते हैं वो आर्टिकल 35 के तहत संसद बनाती है। ठीक है, तो ये है आपका यहाँ पे क्या मौलिक अधिकार आपको बताया। ठीक है, इसमें एक चीज आपकी रहती है, आपकी आर्टिकल 32 के तहत और आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ रिट दायर कर सकते हैं। ठीक है, उनको मैं आपको फटाफट से बताता हूं। ठीक, चलो देखिए, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, ये दो आर्टिकल है, इन दो आर्टिकलों के तहत, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट दायर करता है। ठीक है, और आर्टिकल 226 के तहत जो हाई कोर्ट है वो रिट दायर कर सकता है। ठीक है, मतलब दोनों ही रिट दायर कर सकते हैं, आप ध्यान रखना। देखिए, आप कितनी रिट होती है, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दायर करे चाहे हाई कोर्ट दायर करे, रिटें आपकी 5 तरह की दायर हो सकती है। कितने? ये जो होती है आपकी 5 तरह की हो सकती है, मतलब ये भी 5 तरह कर सकता है और ये भी 5 तरह कर सकता है। यानी कि भाई आपका जो सुप्रीम कोर्ट है ये भी 5 तरह कर सकता है और हाई कोर्ट भी आपकी 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। ठीक है, सबसे पहला कौन सा होता है सर? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, पहली रिट कौन सी होती है आपके यहाँ पे? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का सिंपल और बेसिक सा मतलब ये है, जिसे आप बंदी बना रहे हो उसके शरीर को प्राप्त करना। ठीक है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब बंदी जो आपका बंदी है उसे प्रत्यक्ष लेकर के आना, उसके शरीर को जज के सामने लेकर के आना, इसे बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, यहाँ का ना भाई कि 24 घंटे के अंदर भैया लाना ही लाना उसको है। ठीक है, वो तो फिर अपना मौलिक अधिकार है, उसके तहत तो वो काम होगा, लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण जो आपकी है, ठीक है, क्या भे 24 घंटे के अंदर क्या करना, भे शरीर को प्राप्त करना है। अगर देखिए, अगर आपको गिरफ्तार कर लिया और 24 घंटे के अंदर आपका जो शरीर है, मतलब आपको कोर्ट में पेश नहीं किया गया, तो आप बोल सकते हो भैया कि 24 घंटे में मुझे यहां पे पेश नहीं किया गया, इस तरह से। ठीक है, दूसरा होता है आपका परमादेश। देखिए, परमादेश क्या है? परम आदेश। ठीक है, परम आदेश, परमादेश जो है ये आपका सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है, इसको हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, दोनों में से दोनों जारी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कब ये जारी होता है? इसे न्यायालय जारी करता है। न्यायालय, जब मैंने जहां पे लिखा वहां पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, इसका दोनों मतलब है। ठीक है, न्यायालय जारी करता है। ठीक है, किसे करता है? अपने पदाधिकारियों को। ठीक है, न्यायालय क्या करता है? जो पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े पदों पे जो बैठे हुए हैं, अगर वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं, अगर पदाधिकारी ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं, तब ये बोलता भैया तुम अपने कर्तव्यों का पालन जो है वो ठीक से करो, अपने कर्तव्य पालन तुम ठीक से करो, ऐसा बोलता है। इसी को क्या बोलते हैं? परमादेश कहा जाता है। ठीक हो गया। ठीक है, चलिए देखिए, अब तीसरा होता है अधिकार प्रेक्षा। लेकिन ध्यान रखना, पदाधिकारी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो न्यायालय के ही पदाधिकारी हैं, किसी को भी बोल सकता है, कोई भी पदाधिकारी है। ठीक है ना, सरकारी कोई भी है, किसी को भी बोल सकता है। ठीक है, देखिए, अब तीसरा होता है अधिकार प्रेक्षा। ठीक है, इसके तहत क्या होता है? न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट दोनों ही, ये क्या करता है? फिर से अपने पदाधिकारियों को ही रिट जारी कर सकता है, लेकिन ये किस कंडीशन में होती है? ये जो अधिकार परीक्षा है, इसके तहत न्यायालय पूछता है, कोर्ट पूछता है कि भैया तुम किस अधिकार से इस कुर्सी पर आप बैठे हुए, मतलब कौन सा ज्वाइनिंग लेटर तुम्हारे पास है, वो ये पूछ सकता है, भैया फर्जी तो नहीं हो, दिखाओ अपने डॉक्यूमेंट्स, ये वो सो। ठीक है, किस मत आप अधिकार परीक्षा के तहत होता है। ठीक है, चलिए चौथा इसे हम बोलते हैं उत्प्रेषण। देखिए, उत्प्रेषण क्या होता है? उत्प्रेषण वाली रिट जो है ये आपका सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। उत्प्रेषण कौन जारी करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उत्प्रेषण एकमात्र ऐसी रिट है भाई जो सुप्रीम कोर्ट, केवल सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। ये क्या होता है भाई? सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? ये रिट हाई कोर्ट को दायर करता है। कब करता है सर? कंडीशन क्या है? जब हाई कोर्ट जो है ना अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर, जो इसके अंडर में ही नहीं आता है, उससे बाहर जाकर के जब ये कोई फैसला सुना देता है, तो उसी रिट को बोलते हैं उत्प्रेषण। ठीक है, तब जो सुप्रीम कोर्ट है इससे बोलता है, भैया देख ऐसा है, औकात में रहे,
इससे आगे बात नहीं करनी है, इससे आगे जाके आपको निर्णय नहीं देना है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं यहां पे अधिकार, क्या बे उत्प्रेषण कहा जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से क्या बोलता है भैया इससे आगे जाकर के आपको इससे आगे सुनवाई आपको नहीं करनी है, ठीक है, इससे बाहर आपको निर्णय नहीं देना है। और आपने अगर इससे बाहर निर्णय दे दिया है तो उसको प्रतिबंधित भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ठीक है ना। देखिए लास्ट तरह पे इसे बोलते हैं प्रतिषेध, प्रतिषेध जो आपकी रीट है ये आपका सुप्रीम कोर्ट भी इसे दायर कर सकता है, हाई कोर्ट भी दायर कर सकता है, दोनों दायर कर सकते हैं। किसे? अपने अधीनस्थों को। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कर सकता है और हाई कोर्ट क्या कर सकता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कर सकता है, ठीक है। तो इसका अधीनस्थ ये हो गया, ठीक है, और ये इसका अधीनस्थ ये हो गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को दायर कर सकता है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दायर कर सकता है, ठीक है ना। कब करता है ये? क्या था? जब हाई कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके निर्णय दे देता है तब सुप्रीम कोर्ट बोलता है भैया तूने गलत कर दिया है, इसे हटाना पड़ेगा। लेकिन ये जो प्रतिषेध है ये कब दायर होता है? जब अभी अधीनस्थ न्यायालय ने, भले ही वो हाई कोर्ट हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, ठीक है, अभी इन्होंने निर्णय दिया नहीं है लेकिन सुनवाई चल रही है, होता है ना सुनवाई, सालों तक सुनवाई चलती है, सुनवाई चल रही है। अगर हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी मामले की सुनवाई करते हैं तो निर्णय देने से पहले ही अगर हाईकोर्ट ऐसा कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट प्रतिषेध लगा देगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर ऐसा कर रहा है तो हाईकोर्ट क्या कर देगा उस पर प्रतिषेध लगा देगा कि भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है आपका पे प्रतिषेध, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको जो पांचों जो आपके यहां पे जो रिटें हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी कि कौन किसको लगाता है और इसकी कंडीशन क्या होती है, ठीक है। तो ये रहा आपका पे टॉपिक नंबर 3 जो आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, मौलिक अधिकार। मैं ऐसे उम्मीद करूंगा कि इससे बाहर क्वेश्चन आपके शायद नहीं जाने चाहिए, ठीक है, लेकिन इस बात का मैं कोई दावा नहीं करता हूं, ठीक। चलिए बने रहिए, अगली जो हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है, उसी तरह से हम आप बहुत स्पीड से इसे करेंगे, आपके एग्जाम भी थोड़ा पास में ही है, कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये चीज आपके हो जाए। ध्यान रखना अभी हम लोग हिंदी और उत्तराखंड से हम लोग बाहर नहीं हो रहे हैं, हम लोग जीएस से बाहर हो रहे हैं, ठीक है, इसीलिए जीएस को मजबूत करना भी हमें बहुत आवश्यक मान लिया, ठीक है। चलिए बने रहिए, थैंक यू, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।